स्पेशल चेस 54 चेस 19 सी अरे यार चारा क्या दिखा रहा है चेस 19 चेस 48 चेस 51 चेस 52 ये तो मैं पर से का मैं पर से मुन्नी बदनाम हुए डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी के गाल गुलाबी नैन शराबी चाल वाबी रे रे झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के दिन का चुन के सपना एक बनाया डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे नया गाना है बहुत अच्छा है तुमने लिखा तू यहाँ क्या कर रहा है वो एक अनाउंसमेंट था ये इंटर स्कूल कल्चर कंपटीशन के प्लैम्पलेट्स है सोलो डांसिंग ग्रुप डांसिंग ब्यूटी कॉन्टेस्ट एंड सिंगिंग ऑल्सो और हर कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज विनर को लैपटॉप और एक साल के लिए इंटरनेट कनेक्शन फ्री मिलेगा दिखा और एक बात टेंथ के लिए बेस्ट ऑफ लक पता है तेरी देख वो सिंगिंग गार्डन आता है ना उसमें एक बच्चा गाना गाने आया था शक्ति कुमार ने उसे ऐसा धोया कि क्या बताऊं तुझे आंख पर क्या हुआ कुछ नहीं वो ऊपर वाली अलमारी से ना नाचार निकाल रही थी ये तो दरवाजे का कोना लग गया तू सही कहती थी मैं बहुत स्टूपिड हूं अच्छा तो मैं क्या कह रही थी वो शक्ति कुमार है ना उस बच्चे में इतना चलाया इंसू वो बच्चा रोने लग गया बुरी तरीके से सही कहते हो तुम बहुत स्टूपिड हो
बात मत मुझसे। पिकनिक कैसा था? मैंने गिफ्ट लाई है। गिफ्ट लेने गई थी तेरे लिए? दो चॉकलेट? नहीं, एक चॉकलेट। चुप कर जा। एक भी नहीं? कहा ना नहीं। अरे इंसिया, आके डंडे ऐसी खड़ी हो गई, न सलाम न दुआ। सलाम अलैकुम बड़ी आपा। वालेकुम अस्सलाम। मेरे तू गिफ्ट क्यों ले ले? जा रहे यहाँ से। गिफ्ट 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 जा। क्यों चिल्ला रही है अब मेरे गुड्डू पर? हैं गुड्डू, आते ही मिली भगत शुरू हो गई माँ बेटी की। ये नहीं, ये ये। गुड जॉब, गुड जॉब। तो जजेस, क्या है आपका फैसला? मोनाली जी, यू आर सो क्यूट। क्यूटनेस के लिए पूरे 10 points। वाओ, 10 points। व्हाट? क्यूटनेस? क्यूटनेस का शो चल रही है? ये सिंगिंग का शो है मोनाली, सिंगिंग। मुझे पता है, मैं भी जज हूँ, मुझे अपना काम आता है। बकवास जज हो तुम, इसको तो सुर कैस भी नहीं आता। बेटा, टैलेंट के नाम पे धब्बा है तू धब्बा, टैलेंट के नाम पे धब्बा है तू धब्बा, समझा? हाउ डेयर यू, टैलेंट के बारे में आपको क्या पता? डोंट इंटरप्ट। बेटा तू क्या देख रहा है? चल गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। दोस्तों, शक्ति जी का गुस्सा तो उनसे भी ज्यादा मशहूर है, और सुनने में आया है कि पिछले महीने उनकी मिसेस उन्हें छोड़ के चली गई। तो दोस्तों, इतनी सारी स्ट्रेस में गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। तो दोस्तों, इनकी शादी तो टूट गई। हम ब्रेक के बाद पंडित जी से पूछेंगे कि क्या इस साल सलमान की शादी होगी। तू भूल गई थी आज ग्लैमर अवार्ड्स आने वाले हैं? मुझे याद था, बस सिंगर का अवार्ड किसको मिलेगा? पता नहीं, बताना मुश्किल है। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का किसी को भी मिले, बस शक्ति कुमार को ना मिले। इंसू, उसे आज तक वैसे ही कोई अवार्ड नहीं मिला। पता है, पहले बड़े अच्छे गाने दिया करता था, पर आजकल उसके गाने सुनती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी अच्छे खासे गाने का रिमिक्स कर दिया, पर वो अच्छा खासा गाना कभी बना ही नहीं। अम्मी, पॉटी। थोड़ी देर रुक जा, चल। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्ड की तरफ, जो है बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। और इस अवार्ड के नॉमिनीज हैं मोनाली ठाकुर। अवार्ड तो सुधा वेंकट लेके जाएगी। मोनाली ठाकुर। शर्त? शर्त पक्का, अगर मैं जीती तो कुछ भी मांग सकती हूँ। ठीक है, लो, हो भी गई। आ रही हूँ, थोड़ा पुश कर, बची होगी अंदर। शक्ति कुमार। फ्रेंड्स, अवार्ड्स लेते लेते थक गया हूं, बहुत टाइम लगाएगा देखना। तो इस बार मैंने ग्लैमर अवार्ड को फोन किया और मैंने बोला, ग्लैमर अवार्ड इस बार शक्ति अवार्ड लेगा नहीं, देगा। हाँ। So, here I am to give the award for the best singer, female. And the award goes to, oh. To my cheli, जिसको मैंने ब्रेक दिया, मोनाली ठाकुर। कम मोना, कम कम बेस। वाओ, व्हाट कैन आई से, दिस अवार्ड मींस अ लॉट टू मी। एक्चुअली इट मींस द वर्ल्ड टू मी। थैंक यू सो मच टू द ज्यूरी, टू ऑल माई फैंस एंड टू ग्लैमर मैगजीन। मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने गाती रहूंगी। थैंक यू सो मच। बेब्स, आजकल तुम काफी अच्छा गा रही हो। की बड़ा, आई लाइक इट। थैंक यू, थैंक यू। वैसे आप तो आजकल सिर्फ बच्चों पे ही चीख रहे हैं, कुछ गाने शाने लिखिए ना। तो मोदी कौन है मुझे बोलने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अवार्ड मुझे मिला है ना, आई थिंक मुझे बोलने का हक है। आप क्यों स्पीच दे रहे हो? आपको कोई अवार्ड मिला है? टूथपेस्ट की एड में गाती थी तुम, वास उठा के लाया मैं। ये मत भूलना कि मैंने से पेश आते ना ये लोग, शर्म ही नहीं है।
वैसे मैं बैट जीत गई। हाँ तो क्या चाहिए आपको? इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, पार्ट लूं। ले ले, पर अब्बा को मत बताना। अगर फाइनल्स के लिए सेलेक्ट होगी तो मुंबई जाना पड़ेगा। नहीं 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 सू, फिर तू रहने दे। तेरे अब्बा बात बात पे गिटार तोड़ने की बात करते हैं, तुझे भेजेंगे मुंबई, बिल्कुल नहीं भेजेंगे। आपने कुछ भी कहा था ना, लेकिन इंसू मैंने कहा था कि मुझसे मांग लेना, जिंदगी से नहीं। सुन एक आइडिया है। क्या? इधर आ, ये मुंह ठीक कर अपना। बताओ ना। रात को अब्बा देर से आएंगे तो थके होंगे और भूखे भी होंगे, जब उनके मुंह में खाना हो ना तो ये सवाल पूछ लेना, शायद हाँ कर दे। गुड आइडिया अम्मी। अच्छा गाना कौन सा गाऊं? गाना फर्स्ट प्राइज पता है क्या है? एक लैपटॉप और एक साल का इंटरनेट कनेक्शन, इसलिए थोड़ा ढंग का गाना सोचो। थोड़ा कोई भी गाना गा, तू ही जीतेगी। तू मेरी फेवरेट सिंगर है इंसू। ये मोनाली ठाकुर हो ना, इससे भी बेस्ट है, सच्ची। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। पानी मिलेगा इस घर में? जी अब्बा। ट्रिप कैसी थी तुम्हारी? अच्छी थी अब्बा। कुछ सीखा वीखा या सिर्फ आवारा गर्दी की? नहीं अब्बा, अच्छी थी। आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अब्बा वो ना है, अब्बा वो ना है। नमक कम है जी। इधर आओ एक मिनट। सॉरी। सॉरी से पेट भर लूं? 17 घंटे काम करने के बाद भी आदमी को ढंग का खाना नसीब नहीं होता। हम्म, अब्बा नजमा जी, बैग पैक की तुमने हमारी? बैग? तुम्हारा नाम नजमा है? सॉरी अब्बा। आप परसों जाने वाले थे ना? क्या कहा था हमने, कौन सी तारीख को जा रहे हैं? 3 तारीख को। आज कौन सी तारीख है? 2 तारीख है। तो कल कौन सी तारीख हुई? सॉरी। नमक भूल जाती हो, पैकिंग भूल जाती हो, क्या याद क्या रहता है तुम्हें? तंग आ गया हूं मैं तुमसे। सॉरी। एक बार और सॉरी बोला ना तो प्लेट नहीं तुम्हें उठा के फेंक दूंगा।
अम्मी मुझे लगता है तुम्हें अब्बा को छोड़ देना चाहिए, वो राइट श्योर नहीं है तुम्हारे लिए। तो कौन है राइट श्योर? शाहरुख खान? अम्मी तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। इनसे मैंने भी तो समझाया ना कितनी बार, कौन संभालेगा हमें? तुम दोनों के स्कूल की फीस है, अब नाना पे हम डिपेंड तो नहीं हो सकते। नाना क्यों? अम्मी मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। अच्छा क्या प्लान है मैडम का? तुम हाँ तो बोलो अम्मी, तुम खुद बताओ। स्टेशन पहले डिसाइड होता है, ट्रेन बाद में मिलती है ना। मुर्गी पहले आई थी अंडा? हाँ मुर्गी पहले आई थी अंडा। केस बाय केस डिपेंड करता है। मतलब अगर तुम्हें खाना है तंदूरी चिकन तो पहले आएगा अंडा, उसमें से निकलेगी मुर्गी, उसका बनेगा तंदूरी चिकन। लेकिन अगर तुम्हें खाना है ऑमलेट तो पहले आएगी मुर्गी, वो देगी अंडा और उसका बनेगा ऑमलेट। या अल्लाह इंसु, हर सवाल का जवाब है तेरे पास। नहीं अम्मी पर ढूंढ लेंगे ना। इंसु तुझसे बहस करना ना नामुमकिन है। मत करो बहस, एक प्रॉमिस करो। क्या प्रॉमिस करूं? अगर मैं एक अच्छा सा प्लान बना लूं तो तुम अब्बा को छोड़ दोगी? इंसु मत करो, प्रॉमिस करो अम्मी, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है चल सो जा, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। ठीक है प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस ना? हाँ बाबा। खुदा हाफिज। इंसिया, गिव मी वन एग्जांपल ऑफ आयरनी। इस खड़ूस को भी अभी सवाल पूछना था, अभी ट्यून आई है, जवाब सोचूंगी तो चली जाएगी। आर यू डेफ? गिव मी वन एग्जांपल ऑफ आयरनी। जवाब दूं या ट्यून पकड़ूं? गिव मी योर हैंड। ट्यून जवाब। आई से गिव मी योर हैंड। चल मार ले। गुड्डू दरवाजा खोल। कितना टाइम लेता दरवाजा खोलने में? सॉरी सॉरी। कितने का है अम्मी? 1000 रुपए किलो। आप उससे भी ज्यादा महंगा है तेरा लैपटॉप। बताओ ना इतने पैसे कहाँ से आए? आ गए ना कहीं से भी। कल अगर मैंने दाल में नमक डाल दिया होता तो शायद तू ये कंपटीशन में जीत के ले आती, पर मैं भूल गई ना। सच बताओ अम्मी,
उधार लिया, मैं नहीं ले सकती, रिटर्न करके आती। पागल है तू इंसु, जिंदगी में ना जाने कितनी चीजें हैं जो ना मैं तुझे दे पाई हूँ ना दे पाऊंगी। तुझे हंसते हुए देखने की खुशी मुझसे मची, कभी कभार मिलती है। ये देखो दुनिया कितनी बड़ी है और हमारा बड़ौदा कितना छोटा। ये बड़ौदा है। अभी अभी आंखों ने सीखा मटकना, अभी अभी दांतों ने सीखा चमकना, लगता है जैसे अभी अभी इस दिल ने सीखा दिल से हंसना, अभी अभी बालों ने सीखा है खुलना, अभी अभी दागों ने सीखा है धुलना, लगता है जैसे अभी अभी इस दिल ने सीखा दिल से हंसना। करने लगे खिड़कियां, करने लगे कुर्सियां, करने लगा है हर नजारा। कौन है? कोई नहीं अम्मी। अच्छा करने लगी कुर्सियां, करने लगा है हर नजारा। योर वॉइस आई एम सिंगिंग साउंड सूप साउंड क्या ड्रामा चल रहा थी रात को? अम्मी हमें भी यूट्यूब पे वीडियोस डाल लें। अच्छी बात है, यूट्यूब पे डाल दे वीडियो बना के, अपने अब्बा को भी भेज देना रियाद में, उसके बाद क्या होगा ये तुझे पता है? पता है अम्मी। इंसु रात के 3 बज गए हैं, सपने देखना बंद कर और सो जा। ये कैसी बात हुई अम्मी, पहले कहती हो कि सो जाओ फिर कहती हो कि सपने मत देखो। सोने जाऊंगी अम्मी तो ऑटोमेटिकली सपने नहीं आएंगे। आप मुझे खुद बताओ, हम रोज सुबह क्यों उठते? ताकि हम उन्हीं सपनों को सच कर पाए, वरना हमारा रोज सुबह जागने का पॉइंट ही क्या है? अम्मी सपनों के बिना किसी चीज का पॉइंट नहीं होता है, ना सोने का, ना जागने का, ना जीने का, ना मरने का। और अम्मी सपने देखना तो बेसिक होता है, इतना तो सबको अलाउड होना चाहिए। कितनी बात करती है तू, एक लाइन में बता क्या चाहिए तुझे, बता क्या है तेरा ड्रीम? क्या चाहिए अम्मी? अम्मी हम चाहते हैं कि सारा वर्ल्ड हमारी आवाज सुने,
सिर्फ स्कूल या बड़ौदा या इंडिया नहीं, पूरी दुनिया को बताओ कि हम बेस्ट सिंगर है, सिर्फ आपको नहीं। मेरा भी तो यही ड्रीम है ना, और तू देखना जरूर पूरा होगा। अभी सो जा। रहन दो मैं तुमसे बात करने बेकार। इंसु, इंसु, एक आइडिया है। क्या? क्या कर रहे हो? रुकना। ये ले। ये क्या है? आइडिया? अब ये आइडिया नहीं बुरका है। वही तो। क्या मतलब? हम ये पहन के वीडियोस बनाएंगे। हाँ, तू ही चाहती है ना कि पूरी दुनिया तेरी आवाज सुने। चेहरा दिखे ना दिखे क्या फर्क पड़ता है? आवाज से मतलब है। फर्क पड़ता है अम्मी, ये क्या बात हुई? बेकार आइडिया है, हमें मशहूर होना और आपके रंग मुँह छुपा लो। नहीं नहीं, तू समझ नहीं रही। देख मेरी बात सुन, मैं तुझे अपना स्टेशन बदलने के लिए नहीं कह रही, मैं तुझे स्टेशन पे जाने वाली ट्रेन बदलने के लिए कह रही। इतना तो अलाउड होना चाहिए। नहीं अम्मी, बहुत बेकार आइडिया है, कभी काम नहीं करेगा। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, ये मेरा पहला YouTube वीडियो है। मेरा नाम, मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए। कोई ये बता दे मैं हूं कहां, कोई तो बता दे मेरा पता, सही है कि नहीं मेरी डगर, लूं कि नहीं मैं अपना ये सफर। डर लगता है सपनों से कर देना ये तबाह, डर लगता है अपनों से दे देना ये दगा। मैं चांद हूँ या दाग हूँ, मैं राख हूँ या आग हूँ, मैं बूंद हूँ या हूँ लहर, मैं हूँ सुकून या हूँ कहर। किसको राहों में ढूंढूं, खो जाए जो पता। मैं चांद हूँ या दाग हूँ, मैं राख हूँ या आग हूँ, मैं बूंद हूँ या हूँ लहर, मैं हूँ सुकून या हूँ कहर। Thank you.
कहा भी था मी को बकवास आइडिया है। व्हाट इज द टाइम इंसिया? सॉरी मिस। तुम्हारी अम्मी ने फंसा दिया मुझे। इतने सारे बच्चे हैं ऑलरेडी, मुझे तुम्हें लेना ही नहीं चाहिए था। सब जानते हैं 45 बच्चों से ज्यादा मैं कभी नहीं लेती। सॉरी मिस, आगे से ले। चलो ना, कहीं भी जगह देखकर बैठ जाओ। दिस इज ब्रॉडर, दिस इज नैरोअर, यू नो व्हाई आई एक्सप्लेन दैट ना। 1173K and 1973K। ओके। मिस और कहीं जगह ही नहीं थी। क्या वो तो सुपर मिस के लेट आई ना, तो नोट्स या वगैरह कुछ भी चाहिए तो मैं तुझे हेल्प कर सकता हूँ। ओके। हे इंसिया, वो मैंने तुझे फेसबुक पे ऐड किया, तूने कोई रिस्पांस नहीं किया। हम फ्रेंड्स हैं। नहीं है? ए चिंतन, बोलना। वो तुम्हारे पास वो ट्रिग्नोमेट्री के सम सॉल्व किए हुए हैं? हाँ है ना, तुम कॉपी कर लो, मैं तुम्हारे घर के बाहर बैठा हूँ। तुम वॉचमैन हो? नहीं, घर के अंदर भी आ सकते हो। ओके। इंसु, खाना लगा दे। अम्मी! अम्मी 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 अम्मी, यहाँ से आराम से। इंसु, ये देखो अम्मी। इंसु, ये तो तेरा वीडियो है। हाँ, और पता कितने लोगों ने ये मेरा वीडियो देखा है? 11,470 लोग। सच कह रही है तू? हाँ, मैं तो अम्मी इतने लोगों से कभी मिली भी नहीं हूँ, सब इस लैपटॉप की वजह से। और तुम्हारा आईडिया एक्चुअली काम कर गया। कहा था ना मैंने, अब मैं भी सुपरस्टार बनूंगी। इंसु सुन, सुपरस्टार को सब जानते हैं, तुझे सीक्रेट रहना पड़ेगा, नहीं तो तेरे अब्बा है ना, इस लैपटॉप के साथ साथ हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। समझ नहीं होता है अम्मी। इंसु, मैं सच में कह रही हूँ, अब्बा को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए। अब्बा को कैसे पता चलेगा? अब्बा थोड़ी ना यूट्यूब देखते हैं। प्रॉमिस, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, इससे पहले बड़ी आपा चलाए, मैं खाना लगा देती। अच्छा सुन, इधर आ। अब क्या अम्मी? कल अब्बा वापस आ रहे हैं, सारा दिन घर पे रहेंगे, इस मुसीबत को जरा बंद रखना। अम्मी, अब्बा की रियाद वाली नौकरी कब लगेगी? एक बारी लगी तो 11 महीने हमारी लाइफ से आउट नहीं? हाँ, और रमजान के दिनों में 24 घंटे घर में इन। पर एक ही महीना ना, जेल लेंगे। डील बुरी नहीं है यार। नाम क्या है तुम्हारा? तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। योर वीडियोस आर डैम गुड यार। अरे तुम्हारा कोई ट्विटर अकाउंट या फेसबुक पेज है क्या? सो सैड यार, तुम अपना चेहरा नहीं दिखा सकती? अरे क्या फर्क पड़ता है कि शक्ल दिखाए या नहीं, क्या आवाज है इस बच्ची की। वरना आजकल के वीडियोस में टैलेंट और कपड़े दोनों ही कम होते हैं। तुम्हारी आवाज बहुत अमेजिंग है, तुम नया वीडियो कब डालोगी? थैंक यू। आपको भी नींद नहीं आ रही क्या? रात के 3 बज रहे हैं। मैं तो न्यूयॉर्क में रहता हूँ, यहाँ शाम के 5:30 बज रहे हैं। अम्मी 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 देखो ना, न्यूयॉर्क में भी लोग वीडियो देख रहे हैं। अम्मी सब खैरियत जी? गुड्डू कैसा? ठीक है। ये क्या है, कहाँ से आया? जी भाईजान के यहाँ से आया है, वहां पड़ा हुआ था, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तुम्हारे भाईजान ने आज तक कोई नई चीज भेजी हमारे यहाँ? पुराना कबाड़ का सामान फेंकने का शौक है ना उसे इस घर में।
पापा, शाहरुख की पिक्चर लगी है, देखनी है क्या? अरे जब से तेरे खालू मुझे छोड़ के गए हैं, तब से मैंने कोई सिनेमा नहीं देखा। तो चलें फिर। अच्छा आइडिया है, इंसी को भी बहुत दिनों से फिल्म देखनी है। इंसिया का होमवर्क नहीं है क्या? टेंथ बोर्ड का एग्जाम होता है ना शायद से। अभी ये पिक्चर टीवी गिटार पिटार सब बंद करवाओ इसका, ऊपर से ये लैपटॉप क्या काम का ये? इधर आओ। अनपढ़ गंवार लड़कियों की शादी करने में बड़ी दिक्कत होती है, मैं फंस गया हूँ और कोई नहीं फंसने वाला। लाइक्स और कमेंट्स के लिए थैंक यू। ये मेरा दूसरा वीडियो है, ये गाना मेरी अम्मी के लिए। थोड़ी सी क्यूट है, थोड़ी सी करारी भी, थोड़ी सी कूल है, थोड़ी सी पुरानी भी, जैसे गर खट्टा मीठा सा, जैसे सर्दी में चाहत का कोई कंबल मोटा सा। मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी मुश्किल में होती हूँ अम्मी मेरी रोती है, खुशी में भी मेरी वो दुपट्टा भिगोती है, एक एक आंसू में दुआएं पिरोती है, कोई बताए क्या है अम्मी ऐसी होती है। थोड़ी सी सयानी है, थोड़ी सी इमोशनल, अम्मी जो हंस दे तो टल जाए हर मुश्किल, जैसे किस्मत की चाबी है वो जो खोले हर ताला। मैंने अपने सपनों का हर बक्सा उनको दे डाला।
चिंतन, मैडम डांटती है तुम्हें? हाँ। तुमसे ज्यादा मुझे डांट पड़ती है। मेरा हो गया। इतनी जल्दी? हाँ। दिखाओ जरा मुझे। रुको इनसे आप, क्या है ये? मिस मैं वो कल अच्छे से पढ़ के आ जाऊंगी, कल दे दूंगी टेस्ट। अपनी मम्मी से सिग्नेचर्स लेकर आना इस पे जरा। प्लीज प्लीज बोलकर लगवाया था ट्यूशन तुम्हारी मम्मी ने। क्यों लिया मैंने तुम्हें, अगर तुम्हें मेरा इस तरह टाइम वेस्ट करना था तो? प्लीज प्लीज बोल के नहीं लिया आपने, आपको डबल फीस दी थी इसीलिए लिया। अच्छा, डबल फीस तो तुम्हारे अब्बू दे रहे हैं मुझे, उनकी मेहनत की कमाई से आते हैं मेरे पैसे। इसलिए काम करो, अम्मी के साथ साथ डैडी के भी सिग्नेचर्स ले आना इस पे। I'm so sorry, मेरा वो मतलब। जाओ लेकर आओ सिग्नेचर्स। I'm sorry, ma'am, please. जाओ वरना मैं घर पे फोन कर दूंगी, सिग्नेचर्स लेकर आना। मिस मेरा भी हो गया। इंतिया, क्या हुआ? सॉरी सॉरी। अरे ये तुम हो ना? क्या क्या बकवास कर रहा है और यहाँ क्या कर रहा है, मेरे पीछे क्यों आ रहा? मैंने तेरे सारे वीडियोस देखे, मुझे पहले से डाउट था बिकॉज आई रिकॉग्नाइज योर वॉइस। स्कूल में सब भी लोग तेरे वीडियोस देखते हैं। और किसको पता है? आई डोंट थिंक और किसी को पता है, सिर्फ मुझे पता है। ए, एक मिनट, किसी को पता ना चले इसलिए तू बुर्का पहन दिया ना। चिंतन तू पेपर लेके भाग जा और ये बात किसी को मत बताना प्लीज। ओके ओके डोंट वरी, मैं सबके सीक्रेट रखता हूँ, कभी किसी को नहीं बताता। थैंक्स चिंतन। वो बाय द वे मैं भी अपना एक सीक्रेट बोलूँ? बोलना। वो आई लव यू। क्या? देख देख तू ऐसी रिएक्ट मत करना, तू सुपरस्टार है इसलिए नहीं, गॉड प्रॉमिस बहुत पहले से सच्ची। तुझे फीलिंग्स तो आई होगी ना? तू जा यहाँ से, मुझे घर जाना है। जाऊँ? जाना। नज़मा जी, न्यूज़पेपर उठाया तुमने? न्यूज़पेपर? आज तो न्यूज़पेपर ही नहीं आया। वेलकम बैक गाइस, बॉलीवुड की न्यूज़ से कैसे काटना उसके इंटरनेट की न्यूज़। आज छुट्टी नहीं है, बात करते हैं एक उभरते आर्टिस्ट, सीक्रेट सुपरस्टार, बेनाम भी और मशहूर भी। दोस्तों कौन है ये छुपी रुस्तम जो पर्दे के पीछे मुंह छुपाकर गाना गाती है? क्या ये सब एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है? अगर नहीं तो कौन है ये लड़की जिसने सिर्फ 4 हफ्तों में इंटरनेट पर तूफान मचा दिया है? दोस्तों आपको हमारे पिछले हफ्ते की फिल्म मेंटल से गो गो मनी का गाना क्या करते हो गुड्डू यार, इस गाने को इंटरनेट पे मिले हैं 10 लाख यानी कि 1 मिलियन व्यूज, बट हमारी छुपी रुस्तम को मिले हैं 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ व्यूज। उनका गाना मैं कौन हूं ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 पे यूट्यूब ट्रेंडिंग लिस्ट पे, एंड नन अदर देन श्री अमिताभ बच्चन ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर भी किया है। आज दोपहर मुंबई के ऑल इंडिया सिंगर्स एसोसिएशन के ऑल इंडिया कमेटी ने म्यूजिक डायरेक्टर शक्ति कुमार को बॉयकॉट यानी कि बैन कर दिया है। सिंगिंग आइडल के शो में जिस तरह से शक्ति कुमार ने एक लड़के पर चिल्लाया उससे कमेटी के दिल को बहुत ही ठेस पहुंची है। अब हाल ये है कि शक्ति कुमार के अगले फिल्म के लिए कोई भी सिंगर काम करने को तैयार नहीं है। एक और चाय बना दो ना। शक्ति कुमार को रिप्लेस करना पड़ेगा। अरे मैं बोलना भूल गया, कल रही भाई की बेटी का निकाह है, तुम्हें भी चलना है, वहाँ बुर्का पहनने की कोई जरूरत नहीं है।
मॉडर्न टाइप के लोग हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा। गुड्डू आप भी चलना। हाय दीदी, आपसे प्यार हो गया, आपका फेस तो नहीं देखा मैंने, बट आई लव योर वॉइस, बाय। बेब्स, तुम्हारा वीडियो देखा, चेहरा छुपा के गाती हो हैं? Naughty, naughty. काफी अच्छी आवाज है तुम्हारी, नॉट बैड, पोटेंशियल है, पोटेंशियल है। अपना फ्यूचर बनाना है तो शक्ति को फोन करो। ठीक है। My number is 98200. यार रहमान के मेल नहीं आ सकता था। क्या हुआ? अब्बा वो साइंस टेस्ट था। फिर हुई? 50%? नहीं अब्बा, ये तो सिर्फ ट्यूशन की टेस्ट थी। स्कूल के एग्जाम के लिए तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। कितने मार्क्स मिले? 30 आउट ऑफ 100। फेल? जी अब्बा। लेकिन अब आपको पता है ये सरप्राइज टेस्ट था, हमें तो पता भी नहीं था, हमें तो वहां जाके पता चला। अगर हमें पहले पता होता तो हम अच्छे से पढ़ के जाते। इस पे आपका साइन चाहिए था। अब देखिए यहाँ कितनी स्ट्रिक्ट चेकिंग की है। तुम्हारा गिटार लेके आना जरा। जी। अब आई एम सॉरी, स्कूल के एग्जाम के लिए हम अच्छे से पढ़ेंगे, पक्का 70% लाएंगे। पास होने की औकात नहीं है, 70% लाऊंगी। मैंने कहा गिटार लेकर आओ। आई एम सॉरी अब्बा। एक बार और बोलने की जरूरत पड़ी ना तो तुम जानती नहीं हो क्या होगा। तार मत जोड़ना जब तक मैं नहीं बोलूंगा। इसका टेस्ट से क्या कनेक्शन है अब्बा? ये नहीं बजाऊंगी तो भी तो फेल हो सकती हूँ। ऐसे बोलते हैं बस। सॉरी बोलो। सुनिए, सॉरी। बच्ची ये जाने दीजिए। सॉरी बोल के एहसान कर रही हो? सॉरी, जाने। क्यों इरिटेट कर रहा है चिंतन? जाना यहाँ से। सॉरी, ठीक है। नक नक। पूछता रहूँ ना, मेरे पास ना एक टेटली नक नक जोड़ी। क्यों पका रहा है चिंतन? हाय जिया, मैं देख रहा हूँ तेरा मूड बहुत खराब है। मैं एक लॉलीपॉप हूँ। Why don't you eat me? तू पिछले लाइफ में पेट डॉग था क्या? हर वक्त मेरे पीछे पीछे क्यों आता रहता है? क्यों चिपकता रहता है हर वक्त मेरे से? तेरी प्रॉब्लम क्या है? सुबह से 4 बार बोल चुकी हूँ तुझे, लेकिन नहीं, तुझे समझ नहीं आता है क्योंकि तुझे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है ना। सॉरी यार, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी।
चलो भाई चलो, कितनी देर और? जी आ रही हूँ, एक मिनट बस। हिंसु खाना खा लेना और बड़े आपा को भी खिला देना, हमें देर हो जाएगी। चले सही, ऐसे चलेंगे। क्या हुआ? एक खाली खाली लग रहा है, वो पहन लो ना सोने का हार जो तुम्हारे अब्बा ने दिया था, हल्का वाला। नहीं तो लोग क्या सोचेंगे कि इंजीनियर साहब जो है वो अपनी बीवी को एक हार भी नहीं पहना सकते। वो तो पता नहीं कहाँ रख दिया होगा मैंने, अभी ढूंढने बैठूंगी तो बहुत देर हो जाएगी, चलते हैं अभी। अरे कौन सा अली बाबा की गुफा में रहते हैं हम, छोटा सा तो घर है, ढूंढ लो, मैं इंतजार करता हूँ। नहीं याद आ गया मुझे, वो लॉकर में रखवा दिया था मैंने। नींद की गोलियां खाई हैं क्या? चार महीने पहले लॉकर बंद करवा दिया हमने, वक्त बर्बाद मत करो, जाओ ढूंढो तुम। नहीं वो असल में मैं बताना भूल गई आपको, भाईजान के यहाँ छोड़ दिए थे मैंने, मैं मंगाना भूल गई। अभी ईद पे पहने थे तुमने, उसके बाद हम भाईजान से मिले नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम, चलो अंदर, मैं बोल रहा हूँ ढूंढो तो ढूंढो, बात खत्म। बकवास की जा रही हो? अम्मी हम मदद करते हैं ना, मिल जाएंगे। मैं इंतजार करता हूँ यहाँ। अम्मी लैपटॉप के लिए पैसे हार बेच के आए थे। तो क्या करती और था क्या मेरे पास बेचने को? अम्मी क्यों बेचा आपने हार? अब क्या जवाब देंगे अब्बा को? मुझे नहीं पता इंसु, क्या करें? बोल देती हूँ कि कहीं रख दिया था, मेले नहीं रहा। अब्बा मान जाएंगे? मुझे नहीं पता इंसु, क्या बोलूं, मुझे नहीं पता, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, भाग तो नहीं सकते। यही बोल देती हूँ, रखा था कहीं पे, नहीं मिल रहा। बात करके देखते हैं। ढूंढ रही, मिल जाएगा इंसु, वो उधर उस डब्बे में देखना, वहां रख दिया होगा। वो देखना नीचे डब्बी में देखना। नहीं मिल रहा। कल घर भी भेज देना बिना मुझसे पूछे। अब्बा सुनिए ना, पूछा तुमसे? अब्बा एक बारी हमारी बात सुनिए। पूछा? मैं बताने ही वाली थी आपको। अब्बा सुनिए ना, अब्बा हमने जिद की थी, सुनिए ना अब्बा। खड़े हो जाओ सीधे। अब्बा हमारी बात सुनिए, अब्बा हम कल जाके पक्का लैपटॉप बेच देंगे और सेम वैसा ही हार खरीद लेंगे। अब्बा हमारी गलती, अम्मी ने कुछ नहीं किया है। इंसिया गुड्डू को लेकर अंदर जाओ। अब्बा हम सच कह रहे हैं, अम्मी ने कुछ नहीं किया, हमारी गलती है। तुमने सुना नहीं, मैंने कहा गुड्डू को लेकर अंदर जाओ। पर अब्बा हम सच कह रहे, गलती हमारी, अम्मी ने कुछ भी नहीं किया है, अम्मी ने जिद की थी। तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई ये सब देखे? हाँ चाहती हो ना? नहीं तुमको तो ये सब जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब्बा पर अम्मी ने कुछ भी नहीं किया है। अब्बा इंसु गुड्डू को लेके अंदर जाओ, जाओ अंदर जाओ। क्या क्या बेचा है और बता दो, बाद में ये बोलना कि ये बेचा था, वो बेचा था और बताना भूल गए। हाँ नीचे क्या देख रही हो? क्या देख रही हो? इधर कुछ पूछ रहा हूँ ना मैं। हाँ पूछ रहा हूँ ना, जवाब दो, जवाब दो। कौन हूँ? कुत्ता हूँ? हाँ तुम्हारा नौकर हूँ? तुम एक काम करो, ये गले में पट्टा बांधो और मुझे बाहर बांध के आ जाओ, क्योंकि मेरी तो कोई औकात है नहीं, मुझसे कुछ पूछती नहीं हो। क्या क्या समझ रखा है तुमने? बोलोगी? बोलोगी कुछ? कैसे गलती हो गई? कैसे गलती हो गई? अपने आप से गलती हो गई, सोच के किया होगा ना? ऐसे ही, ऐसे ही बस बिना सोचे। हाँ क्या बस हमें नहीं चाहिए लैपटॉप, आप बेच देना, हम कह रहे हैं गलती हमारी है। लैपटॉप? हाँ हाँ हाँ, कहाँ है लैपटॉप? नज़मा लेकर आओ, चलो लैपटॉप लेकर आओ, लैपटॉप जल्दी।
इसे उठा के बाहर फेंक दो। इसको क्या देख रही हो? अच्छा हाँ, लैपटॉप तो तुम्हारा है ना, और जिद तो तुमने की थी। तुम एक काम करो, ये लैपटॉप ले लो और उठा के बाहर फेंक दो। આજે આપણે ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તકના પાના ક્રમાંક 22 પર આવીએ, જ્યાં એક સુંદર કાવ્ય રચના છે જેનું નામ શું છે? મને જોઈને ઉડી જતા પક્ષીઓ, યાની કે હિન્દીમાં ઉસે કહેતે હૈ મુઝકો દેખકર ઉડ જાને વાલે પક્ષી। तुम एंग्री हो ना क्योंकि तुमने मुझे सबके सामने इंसल्ट किया। एंग्री तो तुम्हें होना चाहिए, मैं तो सॉरी हूँ। एक्चुअली वो मेरी ट्रिक थी। ट्रिक? हाँ, मेरी मम्मी के साथ बिल्कुल सेम टू सेम करता हूँ। जब भी उनका मूड बुरा होता है तो मैं उनको ट्राई करता हूँ चीयर अप करने का, पर वो मेरे पे चिल्लाने लगती है। पर जब वो चिल्लाती है उनका सारा बैड मूड बाहर निकल जाता है, फिर वो ठीक हो जाती है। तो मैंने सोचा तेरे साथ भी सेम ट्रिक यूज़ कर लेता हूँ। हाउ इज मिस्टर बच्चन? अब तो तुम दोनों फ्रेंड्स हो ना। तुमने ट्वीट पढ़ा? मैं तुम्हारे सारे ट्वीट्स पढ़ता हूँ और तुम्हारे फैंस के भी। वो म्यूजिक डायरेक्टर है ना शक्ति कुमार, उसने भी ट्वीट किया, उसको फोन करो, तुम फिल्मों में भी सिंगर बन सकती हो। मैं उसको फोन नहीं करूंगी। क्यों? वो अच्छा आदमी नहीं है। तुम जानती हो उसको? नहीं। तो कैसे पता कि अच्छा आदमी नहीं है? न्यूज में देखा है, और उसकी वाइफ ने भी उसको छोड़ दिया, तो अच्छा आदमी नहीं होगा वो। मेरे मम्मी ने भी मेरे डैडी को छोड़ दिया, पर वो बुरे आदमी नहीं है। मेरी मम्मी ने खुद मुझे बोला। I'm sorry, चेतन, मुझे पता नहीं था। It's okay. तेरा फॉल्ट नहीं है। एक्चुअली मम्मी बोलती किसी का फॉल्ट नहीं होता। तो मेरा काम करो ये। हाँ बोलना। मेरा लैपटॉप टूट गया है, मेरे ईमेल चेक करोगे? और मेरे फेसबुक और ट्विटर पे पोस्ट कर दो कि मैं कुछ दिन तक वीडियोज नहीं डाल पाऊंगी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। और शक्ति कुमार को कुछ बोलना है? इंसिया, तेरा पासवर्ड क्या है? पेन दे। Thank you.
Okay, students, settle down. For the final examinations, 25 marks will be given for the science project. You can choose from a volcano, तुम्हारी अम्मी कैसी है? अम्मी है ना एकदम बच्चों जैसी है. मतलब बच्चे कैसे होते हैं ना, क्यूट होते हैं बट उन्हें कोई समझ नहीं होती, डरपोक होते हैं और बहुत बहुत स्टूपिड. फुल टाइम उन्हें समझाना पड़ता है उनके लिए क्या राइट है और क्या रॉन्ग, फिर भी नहीं समझते. अम्मी बिल्कुल वैसी है, एकदम स्टूपिड. तुम्हें कैसे पता? क्या कैसे पता? बच्चों के बारे में, तुम्हारे बच्चे हैं. अरे सॉरी 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 सॉरी, आई एम जस्ट जोकिंग यार. ठीक है जी. जीतने ना दो लड़के रहते, ये वाला लड़का इसको मार देता है, पानी में देता है. वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ. कड्डो जल्दी से मुंह खोलो. किस खुशी में? आपा रियाद में नौकरी लगी है हमारी. शेख के तेल के कुएं होते हैं ना बड़े बड़े, उसमें सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पे. वाह भाई वाह. सुना तुमने? जी हाँ. तो लो, बहुत अच्छी खबर है, कल जाके दरगाह पे चादर चढ़ा देंगे. हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं चढ़ाएंगे, जरूर चढ़ाएंगे. और आज हम सब लोग बाहर खाना खाने जाएंगे. तुम भी चलना. ठीक है अब्बा. लो. बड़ी हो गई हो, अब इन आखिरी के महीनों में जितना बचपना करना है कर लो, फिर नया देश है, नए तरीके से, नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी होगी, है ना? वो क्या है कि जहीर भाई है ना, उनके दोस्त हैं वहां पर, वो कंपनी जिसमें हम काम करने वाले हैं उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका बेटा है रजाक, उसकी एक ट्रेवल एजेंसी है, हज का लाइसेंस भी है उसके पास. नेक लड़का है, तुमको पसंद आएगा. देखो उसने कुछ फोटोग्राफ्स भी भेजे हैं. तुम्हें पता था ना अब्बा की सऊदी वाली नौकरी अगर लगी तो हम सबको सऊदी जाना पड़ेगा, है ना? मुझे नहीं पता था कि नौकरी लग जाएगी इनसे. अमी रहने दो, हमें तुमसे बात नहीं करनी है. एक बार मेरी बात अमी प्लीज. इंसू सब ठीक हो जाएगा. क्या ठीक होगा, कैसे ठीक होगा? अम्मी हम कह रहे भाग जाते हैं. कहाँ भागेंगे इंसू, अभी क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी इस घर में किसी को हमारी फिक्र नहीं है. गुड्डू चाहिए ना उन्हें, गुड्डू को छोड़ देते हैं. कैसी बातें कर रही है तू इंसू? गुड्डू को यहाँ छोड़ के जाएंगे तो वो भी बड़ा होकर अब्बा जैसा बन जाएगा. अम्मी हमारी लाइफ का क्या पॉइंट है फिर, कि हम गुड्डू को उनसे 2% बेटर इंसान बनाए? हम लोगों की लाइफ का क्या? इंसू कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है. रॉन्ग अम्मी, रॉन्ग. सब चीजें हमारे हाथ में होती हैं. ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते. अम्मी मैं बता रही हूँ, मैं सऊदी नहीं जा रही हूँ, मैं भाग जाऊंगी और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए. अम्मी कुछ ना कुछ प्लान बना लेंगे. इंसू 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 रहने दो अम्मी, तुमसे बात करना ही बेकार है. शक्ति कुमार की लाइफ ने लिया है एक और ट्विस्ट. मुंबई फैमिली कोर्ट ने सुना दिया है फैसला उनके खिलाफ और उनकी वाइफ जीत चुकी है केस. कोर्ट में उनकी वाइफ के लॉयर शीना सबावाला ने साबित कर दिया है कि उनके एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन अफेयर चल रहे हैं और वो भी सब सेम टाइम पे. जब इस बारे में हमने शक्ति कुमार से बात की तो देखिए उन्होंने क्या जवाब. सर आप केस हार गए, आपको कैसा लग रहा है? बुलशिट, सब बकवास है. मेरी वाइफ की लॉयर दैट शीना सबावाला, उसने कोर्ट में सब झूठ बोल के केस जीता.
मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। हाँ बस सर, क्या आपके अफेयर की बात सच है? सर प्लीज सर। तो आइए मिलते हैं मर्दों की जान की दुश्मन श्रीना सबा वाला से। मैम मैम, शक्ति कुमार के केस के बारे में कुछ बताइए। शक्ति कुमार एक बहुत ही बदतमीज और वाहियात आदमी है। मैं इस कोर्ट के डिसीजन से बहुत खुश हूँ। शक्ति जैसे मर्दों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये जो लॉयर साहिबा हैं, श्रीना सबा वाला, अगर मेरे हिसाब सही है तो ये इनकी इस साल की 11वीं जीत है। इसका मतलब ये सिर्फ इसी साल में 11 मर्दों की जिंदगी तहस नहस कर चुकी है। श्रीना सबा वाला का फैमिली कोर्ट में ट्रैक रिकॉर्ड 100% है। दोस्तों सामने चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो चाहे माफिया डॉन, श्रीना सबा वाला इज गोना विन इट। तो मेरे भाइयों जो इस वक्त ये शो देख रहे हैं, प्लीज अपने को इस मैडम से चिंतन। हाँ चल ना। नहीं मुझे काम है, तू जा ना, मैं आ रहा हूँ। नंबर मैंने सेव किया है, कॉन्टेक्ट में ही है, पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो मैं पॉकेट मनी से रिचार्ज कराता हूँ और इस मंथ की पॉकेट मनी तो खत्म हो चुकी है और बैलेंस भी नहीं है। मैं फोन नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं, तू मिस कॉल मार सकती है। मिस्ड कॉल? वो मुझे फोन क्यों करेगा? करेगा बाबा, मिस कॉल तो मार। तुझे कैसे पता फोन करेगा? मैंने फिंगर क्रॉस करके रखी है। एक और बार ट्राई करना प्लीज। सॉरी यार, मैं ना कल मम्मी से एडवांस पॉकेट मनी मांग लूंगा। छोड़ रहने, चिंतन जाना है यहाँ से, घर जा। मुझे इरिटेट मत कर, मुझे अकेला रहना है। मैं भी तेरी बिल्डिंग में ही आ रहा हूँ, वहां मेरा एक फ्रेंड रहता है। कौन फ्रेंड? वो जिग्नेश। मेरी बिल्डिंग में कोई जिग्नेश नहीं रहता। ओह सॉरी। अच्छा मुझे लगा बड़ौदा की हर कोई बिल्डिंग में जिग्नेश रहता ही होगा। चिंतन अपनी ट्रिक वापस मुझ पे ट्राई मत कर, ठीक है? घर जा। सॉरी। इंसिया मलिक सर, वो मेरे यूट्यूब पे वीडियोस है, सीक्रेट सुपरस्टार। हाँ सर, वो बुरखा गर्ल सर, वो मेरे फ्रेंड का फ़ोन है, उसके फ़ोन में बैलेंस नहीं था तो सर बड़ौदा। आज आज तो नहीं सर, कल। हाँ सर कल सर। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, अगर आपका गाना रिकॉर्ड हो गया तो आप मेरी एक हेल्प करेंगे, वो मैं आपको कल बताऊंगी। प्रॉमिस सर, पक्का प्रॉमिस ना? थैंक यू सर। सर मैं आपको, साहब मुझे 2 मिनट में फोन करेंगे। थैंक यू सर। वो चाहता है मैं कल मुंबई आऊं गाना रिकॉर्ड करने, लेकिन मैं जाऊंगी कैसे? एरोप्लेन से? हाँ वो तो पता है, उसने बोला कि वो फ्लाइट बुक करेगा और एयरपोर्ट पे गाड़ी भी भेजेगा। एक काम कर, कल का स्कूल तू बंक कर जा, क्लास वर्क के नोट्स में तुझे दे दूंगा और होमवर्क तो तू करती नहीं, और जब तक स्कूल खत्म होगा तब तक तू वापस आ जा। किसी ने देख लिया तो? तू सीक्रेट सुपरस्टार है यार, सीक्रेट। एक और प्रॉब्लम है, मैं कभी प्लेन में नहीं बैठी। अरे डोंट वरी, मैं कल तक कुछ प्लान बना लूंगा। अरे रुक, अरे रुक, 2 मिनट रुक जा। अरे एक मिनट, जल्दी क्या इतनी? देख तेरी अम्मी तुझे बस तक छोड़ने आती, मतलब बस में तो चढ़ना ही पड़ेगा। और हाँ टिकट का टेंशन मत ले,
ये ले टिकट, वो मैं प्रिंट आउट कर लूंगा। चल चल जी, चली कर। बस स्कूल के अंदर जाती है ना, मतलब एस्केप तो स्कूल के अंदर से ही करना पड़ेगा। स्कूल के अंदर जाते ही तू लेडीज टॉयलेट पे घुस जाना और वहां से जंप कर लेना। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। मुझे ना एक एस्केप रूट पता है। मैंने सोचा अगर टेररिस्ट अटैक हो तो एस्केप रूट होना तो जरूरी है ना। शिट, चिंता, इसमें तो ताला लगा हुआ है। हा? अब रुक, कुछ करता हूँ मैं। एयरपोर्ट के लिए लेट हो जाऊंगी मैं, पता नहीं पहुंच भी पाऊंगी। उसे नहीं टूटेगा। क्या कर रहा है? रुको ना। तुझे यहां से जंप करना पड़ेगा। तू पागल हो गया है क्या? तेरे पास और कोई बेटर आइडिया है? मैं वापस कैसे आऊंगी यार? मेरे पास 8 घंटे है सोचने के लिए। मैं कुछ प्लान बना लूंगा। चल चली, ला बैग दे। यहाँ पर रख, फिर यहाँ। पैरों से लैंडिंग करना वरना चोट लग जाएगी। तू ठीक है ना? हाँ, और तू? मैं तो ठीक ही हूँ। अच्छा सुन। हाँ बोलना। आई ऑल्सो लव यू। थैंक यू। एयरपोर्ट जाना है भैया, थोड़ा जल्दी चलो ना प्लीज। एयरपोर्ट पे स्कूल का आईडी दिखाना और ये टिकट। रुको रुको, कोई पूछे तो बोल देना ग्रैंडफादर हेल्थ इज बैड। खेली जा रही हूँ। दादाजी की तबीयत खराब है। एयरलाइन काउंटर पे विंडो सीट लेना मत भूलना। कैन आई हैव द विंडो सीट प्लीज? यस श्योर। अंकल, आप हमारी सीट पे बैठे हैं। शॉर्ट फ्लाइट है, कहीं पर भी बैठ जाओ। पर वो विंडो सीट तो हमारी है ना। अरे क्या फर्क पड़ता है, मैं बैठ गया हूँ ना इधर, तुम इधर बैठ जाओ। अंकल वो सीट हमारी है, गेट अप। कम सीट बेल्ट पहनना मत भूलना। प्लेन टेक ऑफ होगा तब तुम देखना ये दुनिया कितनी बड़ी है और बड़ोड़ा कितना छोटा। तुम्हारा बैड मूड, तुम्हारे अब्बा, शीतल मिस, सबको तुम नीचे छोड़ के ऊपर जू उड़ जाओगी। मैं तुम्हें नीचे से वेव्स करूंगा पर तुम्हें ऊपर दिखेगा नहीं। मैडम ऑटो चाहिए? टैक्सी टैक्सी। होटल कहाँ जाना है? सिगरेट सुबह सर? नहीं। अरे पिकअप के लिए भेजा है। माय सेल्फ रंजीत। चल। शक्ति जी ने भेजा है। हाँ जी बहन जी, शक्ति कुमार जी ने भेजा है। अब चले, लेट हो जाएगा। चल। बोला यूनियन रिश्तेदारी पे नहीं पैसे पे चलती है, जितने देने देना यार। करता हूं।
What a voice. Kya awaaz hai. Wow. My pleasure to meet you, beta. You okay? Tea, coffee, coke? Coke, huh? Kya story iski? What a story. Baroda, Burkha, YouTube, Shakti Kumar and then superstar. तुम्हारे लिए मैं लॉन्च पार्टी रखूंगा 5-star होटल में बिग टाइम इंडस्ट्री मीडिया ट्रेड तुम्हारे लिए मैं मुंबई टाइम्स का फ्रंट पेज खरीदूंगा शक्ति कुमार लॉन्चेस यूट्यूब सेंसेशन इंसिया बेब्स डोंट माइंड लेकिन तुम्हारे नाम में ग्लैमर थोड़ा कम है मतलब क्या है इसका इंसिया व्हाट डज इट मीन मतलब औरत ओह औरत वुमन नाम तो बुरा है ही मतलब तो इससे भी ज्यादा बकवास शबनम कैसे रहे शबनम टू ओल्ड फैशन सनी लिया हुआ है ना ऑलरेडी देयर नताशा नताशा विद अ डबल एच एन ए टी ए एस एस एच ए नताशा दैट्स द वन दैट्स द वन सो आई एम सॉरी लेकिन हमारी पहचान सीक्रेट रहेगी आप जानते हैं अगर हमारे अब्बा को पता चल गया हमारा क्या हाल करेंगे देखो बेटा आज नहीं तो कल मीडिया तक मैं ढूंढी निकालेगी मैं कुछ बताऊं या ना बताऊं एनीवे टाइम कम है प्रोड्यूसर को दो दिन में गाना शूट करना है दो हफ्ते में म्यूजिक लॉन्च है और दो महीने में फिल्म की रिलीज और तुम्हें तो 6 घंटे में स्कूल भी वापस पहुंचना है सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ओके अली गाना बजा माता की देन है हो गया बस चलो बेटा माइक पे जाओ कम ऑन शाबाश रंजीत इसको माइक पे ले चल अली सब रेडी है जी सर हाँ यस ओके शाबाश सुपर हिट है बेटा सुपर हिट गाना है बस अब तुम गा दो हाँ चलो शाबाश सब 2 मिनट हाँ या ओके टेक योर टाइम चलो चलो रेडी कम ऑन लेट्स गो शाबाश बेटा गो फॉर इट हाय ऐसे नहीं बेटा हाय अरे फिर भाई हाय ओके हाय अरे करेक्ट 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 तुम एक काम करो तुम मुकड़े से कहो हाँ डायरेक्ट मुकड़े से कहो ये आऊ बाद में पछ कर लेंगे जी सर तेरी बोली बोलूंगी तेरी बानी गाऊंगी तेरे इश्क का चोला पहनूंगी बेटा ये भजन नहीं है बेटा फील समझ के गाओ गाने का फील समझ के गाओ तेरी बोली बोलूंगी तेरी बानी गाऊंगी कट इट लुक एट मी बेब्स लुक एट मी तुम गलती कर रही हो तुम दिमाग से गा रही हो ये गाना दिमाग से नहीं गाना है पता है कहां से गाना है दिल से सर दिल से गाना है मर गए यार ये तो दिल से गाने वाली है दिल से नहीं गाना है बेटा बॉडी से गाना है बॉडी से मतलब बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज ओके तुम एक काम करो तुम थोड़ा लूज हो जाओ खुल जाओ ऐसा करो जॉगिंग करो जॉगिंग जॉगिंग हाँ कहाँ अरे वहीं पे स्पॉट जॉगिंग कम ऑन मैं दिखाता हूँ या कम ऑन 1 2 1 2 शाबाश कम ऑन नीज़ अप 1 2 बाउंस बाउंस
वेरी गुड वेरी गुड या 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 फीलिंग बेटर हाँ कमान शाबाश बेटा बगा बिंडिया कमान तेरी बानी बोलूंगी तेरी बोली गाऊंगी बेटा गिव मी समथिंग समथिंग एनीथिंग चलो शाबाश सुनो तुमसे नहीं होगा रजीत तुमको एयरपोर्ट जाके छोड़ देगा घर पे बैठ के गाने में और माइक के सामने गाने में बहुत फर्क होता है मेरा आदमी की बस की बात नहीं होती तुम स्कूल जाओ सब व्हाट सब टॉयलेट जाने पता है इंसु पहले बड़े अच्छे गाने दिया करता था ये पर आजकल इसे गाने सुनती हूँ ना तो ऐसे लगता है किसी अच्छे खासे गाने का रिमिक्स कर दिया हो और वो अच्छा खासा गाना कभी बना ही नहीं ना इसके बस की नहीं है गाने की लेकिन तू सुनने को राजी नहीं है वैसे कोई तेरे साथ नहीं काम करना चाहता तू क्यों मेरी पिक्चर की मां बहन एक कर रहा है मैं ढूंढ लूंगा किसी को आई फाइंड समवन किसको ढूंढेगा मैं गाऊंगा ना अरे यार तू ये पिक्चर छोड़ दे बस प्लीज बख्श दे मुझे यार सर दो मिनट बाहर आइए ना प्लीज क्या आपसे प्राइवेट में कुछ बात करनी है क्या व्हाट द प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है सर हमें ना लगता है प्रॉब्लम हम में नहीं आपके गाने में ओह मतलब प्रॉब्लम तुम में नहीं है प्रॉब्लम मेरे गाने में वाह वाह क्या बात है आई लाइक इट अच्छा एंगल पकड़ा है बहुत खूब सम प्लेबैक सिंगर नहीं है हाँ वो तो दिखता है सर हम तो एक्चुअली लिसनर हैं हम जब से पैदा हुए अम्मी ने हमें सारे बॉलीवुड गाने सुनाए नए पुराने सब तो मैं क्या करूं आई नीड द सॉन्ग बेब्स मुझे तुम्हारी ये बकवास में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपको हमारी बकवास में इंटरेस्ट होना चाहिए What? हमने न्यूज में पढ़ा था सिंगर्स एसोसिएशन ने आपको बॉयकॉट कर दिया अरे वो क्या मुझे बॉयकॉट करेंगे मैं उनको बॉयकॉट करता हूँ हट बॉयकॉट सर हमारी बात तो खत्म होने दीजिए गाना आपका रोमांटिक है ट्यून आपकी डिस्को कितने अच्छे बोल हैं और आपने इसमें ये उआ डाल दिया है ऐसा लगता है किसी अच्छे खासे गाने का रिमिक्स कर दिया हो और वो अच्छा खासा गाना कभी रिलीज ही नहीं हुआ अब जानते हैं हमारी अम्मी भी ऐसा ही बोलती हैं ये गाना तो ऐसा होना चाहिए जैसे दिल से गाया 2007 हाँ 2007 दस साल पहले मैंने ये गाना बनाया था हाँ ये तो रीमिक्स है पार्टी सॉन्ग पार्टी सॉन्ग पार्टी सॉन्ग प्रोड्यूसर को पार्टी सॉन्ग चाहिए था मैंने भी घुमा दिया बट यू राइट ये ओरिजिनल नहीं है तेरी ही बोली बोलूंगी मैं तेरी ही बानी गाऊंगी मैं तेरे शक दा चोला पहन के मैं तुझ में ही रंग जाऊंगी तेरे शक दा चूड़ा पहन के मैं तुझ में ही सज जाऊंगी मैं नचती फिरा हो बन ठन बलिए हो सम यही गाना गाएंगे बिल्कुल ऐसे ही गाएंगे
You like it? Love it. It's a flop. Too slow. आजकल मार्केट में सबको फास्ट गाने चाहिए, फास्ट. नहीं सर, ऐसा नहीं है. आपने आशिकी 2 के गाने सुने? एक भी फास्ट नहीं है, फिर भी एल्बम सुपर हिट थी. Ah, they just got lucky. But you're smart. तो सर, हमें एक बार ये गाना ट्राई करने दीजिए. हम बिल्कुल ऐसे ही गाएंगे जैसे आपने गाया. अरे प्रोड्यूसर को समझ में नहीं आएगा, वो मानेगा नहीं. सर एक बार ट्राई करने दीजिए. बॉडी लैंग्वेज से नहीं, दिल से गाएंगे एक बार हमारे लिए. ओह, हमारे लिए प्लीज. सर ये गाना बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये वर्ड सेक्सी निकाल देंगे आप प्लीज. अरे वो तो शक्ति ने डाल दिया था. निकाल निकाल. अली ये सेशन कैंसिल कर. वो 2007 वाला लगा, पुराना वाला. कम ऑन, एक नया वर्जन ट्राई करो. सुनो सर, वो स्लो वाला क्यों? यू हैव प्रॉब्लम? जस्ट डू व्हाट आई एम
सुपर हिट बेब्स, तुम्हें पता नहीं इस वक्त मुझे क्या फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरी लाइफ की पहली रिकॉर्डिंग हो। तुम नहीं समझोगी सब। एक्चुअली ये सच में मेरी लाइफ की पहली रिकॉर्डिंग थी। तेरे इश्क दा चूड़ा पहन के वाओ। सर हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ या बोलो क्या बात है। सर हमें आपकी हेल्प चाहिए। I'm so sorry. तुम्हारी फीस, sorry. तुम्हारा दोस्त क्या नाम है उसका? चिंतन। उसको चेक भेज दो। नहीं सर, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तो आपके से थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अरे बेटा, एक दफा ये गाना रिलीज हो जाए ना, फिर तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइन लगेगी तुम्हारे घर के बाद प्रोड्यूसर उसकी और म्यूजिक डायरेक्टर की लाइन। सर आपका डिवोर्स हो गया है। क्या मतलब? आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई है, आपके बच्चों को भी ले गई। हाँ, तो? हमें आपकी वाइफ की लॉयर से मिलना है, हमें अपने अम्मी अब्बा का तलाक कराना है। क्या? क्यों? Oh, I understand. I'm sorry, मैं समझ सकता हूँ। घबराओ मत, don't worry, I'll help you. मैं अभी अपने लॉयर को फोन करता हूँ। कमलेश is a fantastic lawyer. Yeah. नहीं सर, आपका लॉयर नहीं, आपकी वाइफ का लॉयर। कौन? उशीना सभा वाला? अरे पागल हो रहे थे वो। बैड आइडिया। साहब ने हमसे प्रॉमिस किया था। हाँ हाँ, तो मैं कहा ना बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ना, I'm helping you. Don't worry. He's a fantastic lawyer. हाँ कमलेश। साहब का यही fantastic lawyer आप ही का केस हार गया था। कमलेश सुन, मैं तुझे बाद में बात करता हूँ, ओके? या बाय 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 बाय। हेलो शीना, इट्स मी। क्या मतलब कौन? जैसे कि तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है। हेलो, पता है तुम बिजी हो, मैं भी फ्री नहीं बैठा हूं, टाइम पास करने के लिए फोन नहीं किया मैंने, कुछ काम है, मिलना है, मिलके बात करेंगे। अरे नो बाबा, मेरे डाइवोर्स केस की बात नहीं है, ये कुछ और मैटर है, एक लड़की है, बच्ची है। एज क्या तुम्हारी? उम्र क्या? 15 साल की। 15? व्हाट, हाउ डेयर यू शीना, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। You're mad. You shut up and you go to hell. मैं तुम्हें सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा। Yes, bye, 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 bye. I told you, she's bad news. Try तो किया मैंने, तुम्हारे सामने ट्राई किया, देखा तुमने। हेलो शीना, आई एम सो सॉरी, मेरी बात सुन। यू राइट, यू एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं बहुत ही बदतमीज आदमी हूँ। यू राइट। सुनो बेब्स, मेरी माँ सुनो, आई एम बेगिंग यू, मेरे लिए नहीं, इस फॉर दिस लिटिल गर्ल, ये बच्ची के लिए, प्लीज, उसको बस आधा घंटा चाहिए, बस अभी आए, अगले महीने। नहीं, बेब्स, अगले महीने बहुत देर हो जाएगा, अगले हफ्ते, इमरजेंसी, इट्स एन इमरजेंसी, अगले हफ्ते, गुड, या, डन, थैंक यू बेब्स, यू आर अ स्वीटहार्ट, चुड़ैल। थैंक यू सर। तो अगले हफ्ते मिलते हैं, तुम्हारा टिकट मैं तुम्हारे वो बॉयफ्रेंड को भेज दूंगा, क्या नाम है उसका? चिंतन, या चिंतन। सर बॉयफ्रेंड नहीं है हमारा। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? तो शर्मा क्यों रही हो? Why are you blushing? चिंतन,
हमारे प्रोजेक्ट का सारा सामान मिसिंग है। अरे इंसु भी थोड़े दिन पहले तो लिया था, घर से कहाँ जा सकता है, स्कूल में तो नहीं छोड़ा ही। अम्मी अब हमारा स्कूल का प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा? गुड्डू जब मुंह धो क्या? गुड्डू तूने हमारा गम का बॉटल देखा क्या? और हमारा ब्राउन टेप? नहीं, मारो तुझे एक। अरे अम्मी से कहो हमारी चीजों को हाथ ना लगाया करे। गुड्डू तुझे कितनी बार कहा है उसके सामान को हाथ मत लगाया कर तू। उसे मैं इंसु के लिए गिफ्ट बना रहा था ना। कोई जरूरत नहीं गिफ्ट बनाने की। ओके ओके। एयरपोर्ट जाना है। कम बेटा। बेब्स, शीना को बोलो शक्ति इज़ हियर। वो बिजी है, वेट करिए। ओह बिजी, वेट करिए। कम बेटा, सेट। थैंक यू। हाय, दिल टूट गया। मैंने बेटा हम तो प्यासे ही ठीक हैं। कम, आई विल सी यू नाउ ऑन मंडे। कम इन। ओह नॉट यू, तुम जाओ। इंसिया कम 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 कम। So tell me, what can I do for you? Ma'am, हमारे अब्बा हमारी अम्मी पे बात बात पे, हर छोटी छोटी बात पे हाथ उठाते। एक बार हमारी अम्मी गीजर ऑन करना भूल गई तो अब्बा ने उनका हाथ तोड़ दिया। बेब्स, मेरा नया गाना सुना है? कौन सा? वो धीरे धीरे से? वो तो पुराना हो गया, नया वाला है जोर जोर से। देखो इंसिया, ये डिफिकल्ट केस है। सबसे पहले तो तुम और गुड्डू छोटे हो, माइनर्स हो, यू अंडरस्टैंड? और ऊपर से तुम्हारी अम्मी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है। एनीवे, मैं एक फाइल तैयार करके दूंगी तुम्हें, घर ले जाओ, अम्मी को पढ़ के बताओ कि उसमें क्या लिखा है, उन्हें समझाओ। हाँ, और फिर उस फाइल पे उनके दस्तखत लेना। शी हैज टू साइन ऑल द पेपर्स। ठीक है मैम। तुम्हारी हाथों की लकीरें कह रही हैं कि देयर इज अ न्यू लव इन योर लाइफ। ये लो। थैंक यू सो मच मैम। यू आर वेलकम। मैम हम आपकी फीस तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अरे फिक्र मत करो, बहुत ही सस्ती लॉयर है, मैं दे दूंगा। कम। बाय मैम। बाय। सुनो, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। नहीं बेटा, मैं उनसे कह रही थी, तुम शायद अंदर से उतने बुरे नहीं हो जितने बाहर से। स्वीट हार्ट डोंट पुश इट। चीयर्स। सर एक बात पूछूं? या। आप हमारी हेल्प क्यों कर रहे हैं? बट एक्चुअली तुम्हारी और मेरी स्टोरी बिल्कुल एक जैसी। कैसे? यू नो, पिछले 10 सालों में मेरी 2 बीवियों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे भाई ने मुझ पर केस ठोक दिया। मतलब फैमिली तो है ही नहीं मेरी, ये इंडस्ट्री समझो मेरी मदर सिस्टर फैमिली है। और
इस इंडस्ट्री ने भी आज तक मुझे थोड़ा सा भी प्यार नहीं दिया। सारे हर साल नॉमिनेट करते हैं लेकिन आज तक अवार्ड नहीं दिया। लेकिन इसमें हमारी स्टोरी सेम कैसे हुई? एनीवे, तुमने गिटार बजाना कैसे सीखा? 6 साल की थी, अम्मी ने गिटार ला के दे दिया। सर हम मुंबई शिफ्ट होना चाहते हैं अम्मी के साथ, सिंगिंग सीखना चाहते हैं अच्छे से, फिर शायद हम भी सिंगिंग आइडल में पार्ट ले सकें। अरे तुम जैसों को सिंगिंग आइडल की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम सुपरस्टार कैसे बनेंगे? वो तुम ऐसे ही बन जाओगी। तुम जैसे टैलेंटेड बच्चे होते हैं ना, वो भाई कैसे समझाओ, हाँ सोडे में इस बबल्स की तरह होता है। ये बबल्स देख रही हो, एक के बाद एक ऊपर आ रहे हैं। तो टैलेंटेड बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ही ऊपर आते अपने आप, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे फोन करना, ओके? और चिंतन को बोलना कि जब तुम सेफली घर पहुंच जाओ मुझे मिस कॉल दे। बाय बाय। टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस। बाय सर। अम्मी नीचे आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। ओह इंसू अभी नहीं, तू जल्दी से बैग उतारो, सब्जी काटना शुरू कर। अम्मी नीचे उतरो। अरे अभी नहीं ना, बाद में। अम्मी कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, नीचे आओ। ओफो क्या हुआ है? अरे अम्मी हम ना वो अम्मी मुंबई गए थे, वो म्यूजिक डायरेक्टर ना शक्ति कुमार, उसने हमें ईमेल भेजा था, तो हमने उसे कॉल किया, उसने कहा कि मुंबई आ जाओ गाना रिकॉर्ड करने। गाना बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद अम्मी शक्ति सर ने हमें एक लॉयर से मिलवाया, वो मुंबई की बहुत बड़ी लॉयर है, उन्होंने ये डिवोर्स के पेपर्स दिए हैं, तुम एक बार ही देख लो। अम्मी तुम अब्बा को छोड़ दो, हमें सऊदी जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम बहुत बड़े सिंगर बनेंगे। शक्ति सर ने कहा है कि वो हमारी हेल्प करेंगे। तो मुंबई गई थी कब? पिछले हफ्ते और आज। अम्मी प्लान रेडी है। प्लेन में गई थी अकेले? और स्कूल? अम्मी तुम्हें बताने वाले थे। इतनी बड़ी हो गई है तू, अकेले मुंबई जाएगी, अम्मी अब्बा का तलाक कराएगी। पर अम्मी तुम्हें बोला तो था कि प्लान बना रही। क्या सोची गई थी मुंबई? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मुझे कैसे पता चलता? और वकील से भी मिलाई? क्या सोची गई थी वकील के पास कि तलाक करा दूंगी? मुझसे पूछा कि मुझे तलाक चाहिए कि नहीं? और ये क्या तलाक तलाक लगा रखा है तूने? क्या किया क्या अबू ने मेरे साथ? तुम्हें नहीं पता क्या किया अबा ने तुम्हारे साथ? बात बात पे तो तुम पे हाथ उठाते रहते हैं। अरे उनका गुस्सा खराब है, हाथ पे कंट्रोल नहीं है, किस मर्द का होता है? प्लीज अम्मी, ये कैसी लाइफ जी रहे हैं हम? सांस लेने तक को अलाउड नहीं है हमें, और अब हमें सऊदी लेके जाएंगे, अपने जैसे लड़के से हमारा निकाह करा देंगे हमसे पूछे बिना, जैसे तुम्हारी जिंदगी थी वैसी हमारी हो जाएगी। देखिए सु, हर एक इंसान की अपनी मजबूरी होती है। हम मजबूर नहीं है अम्मी। अम्मी हम कह रहे हैं हम सब ठीक कर देंगे, हम है ना। क्या कर लेगी? हाँ मेरे अब्बा ने निकाह कराने से पहले नहीं पूछा, बेटी ने तलाक कराने से पहले नहीं पूछा, किसी को पड़ी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। जो भी है अम्मी हम सऊदी नहीं जाएंगे। बस इंसू यही मेरी दुनिया है और यही तेरी दुनिया भी है, और इस दुनिया में मैं तुझे जितनी आजादी दे सकती थी मैंने दी है। यहां से उड़ने के सपने मत देख, मत देख। हम तेरे अब्बा के साथ सऊदी जाएंगे,
वहां जाके तेरी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी, प्रॉमिस करती हूँ मैं। पर हमारा सिंगर बनने का सपना तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा ना। कोई बहस नहीं चाहिए मुझे, हम तेरे अब्बा के साथ सऊदी जा रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी सऊदी। I can't believe it, तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अम्मी तुम इतनी डरपोक हो कि तुम अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकती। रेडी नहीं था। I'm sorry, Guddu. It's okay. अरे दे दो, इस पर और काम बाकी है। इनसे चल अपनी अम्मी से चल के माफी मांग। हम अम्मी से माफी नहीं मांगेंगे, गलती अम्मी की है, हमारी नहीं। अरे सबसे बड़ी गलती तो उनकी ये है कि तुझको पैदा किया। तेरे बाप ने तो कह दिया था कि लड़की पैदा करके क्या करोगी, किरा दो। नजमा ने जिद किया तो सबने मिलके मारा पीटा और ले गए डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ने कहा कि इस वक्त देर हो गई है, कल सुबह ऑपरेशन कर देंगे। रात भर अस्पताल में रखा। आपने कुछ नहीं कहा? अरे हम तो रात दिन बस यही सोचा करते हैं कि हमें हमारी अम्मी ने पेट में ही क्यों नहीं मार दिया, क्या कर लिया पैदा होके हमने। और अम्मी ऑपरेशन? अगले दिन जब हम वहां गए तो तेरी अम्मी अस्पताल से भाग गई थी। 10 महीने बाद जब वो वापस आई तेरे साथ, तो कहने लगी कि अगली बार अगर लड़की हुई तो गिरवा देना, इसको रख लेते हैं, ये मेरी इंसिया है। तो हम कहाँ पैदा हुए और अम्मी कहाँ थी? अरे क्या फर्क पड़ता है, गलती तुम्हारी तो है नहीं, तुम्हारी अम्मी की है, तुम क्यों सॉरी बोलोगी? अरे सुन, नजमा ये नहीं चाहती थी कि ये बात तुझे पता चले, उसे मत बताना, समझी? पर जितनी खुशी मुझे तुम्हें ये बताने में मिल रही है ना, उतनी ही खुशी उसको तुमसे छुपाने में मिलती है।
छुट्टी जरा पड़ गई। बढ़ते बढ़ते मैं हद से जरा बढ़ गई। ओरे मनवा छोड़ जिद करना, ओरे मनवा छोड़ जिद करना, अंदर से बंद कर ले तू सपनों को पिंजरे में। ओरे मनवा छोड़ जिद करना, ओरे मनवा छोड़ जिद करना, अंदर से बंद कर ले तो सपनों को पिंजरे में। बेटा मैंने शीना से बात की है, कई रास्ते हैं, तुम पुलिस में कंप्लेन कर सकती हो, यहाँ पर एक चिल्ड्रंस एनजीओ है वो तुम्हारी मदद करेगा। शीना है, मैं हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, अम्मी ने मुझे नहीं छोड़ा, शी फॉट फॉर मी। इस बार मेरी टर्न है, मैं अम्मी को कैसे छोड़ सकती हूँ? लेकिन तुम्हारा क्या एंसिया, तुम अपना टैलेंट क्यों बर्बाद कर रही हो? ओरे मनवा छोड़ जिद करना, ओरे मनवा सुपरस्टार। दोस्तों ये वही लड़की है जिसने कुछ महीनों पहले अपने चैनल पर बुर्का पहनकर वीडियोस अपलोड किए थे। ये वीडियोस इतने पॉपुलर हुए थे कि बड़े-बड़े नेता अभिनेता ने इसे सराहा था और शेयर भी किया था। मगर कुछ हफ्तों पहले इस चैनल पर वीडियोस अपलोड होने बंद हो गए। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर सन्नाटा छा रखा था। कम बैक सीक्रेट सुपरस्टार के पेजेस बन गए और सबके सब फैन क्लब्स हताश थे। मगर आज दोस्तों, आज खुशी की घड़ी है, क्योंकि आज हमारी सीक्रेट सुपरस्टार ने बॉलीवुड में पहला कदम रखा है। और इस सब के बारे में आइए पूछते हैं शक्ति कुमार से। सर, सीक्रेट सुपरस्टार के बारे में कुछ बताइए। हाय, उसकी आवाज में एक दर्द है जो उसके दिल से निकल के आता है, उसकी आंखों में एक आग है जो उसकी आवाज में छलकती है। जीसस कहा था उस पर, शी इज अ गिफ्टेड चाइल्ड, गिफ्टेड। उसका सच्चा नाम क्या है? क्या फर्क पड़ता है, आवाज तो सच्ची है। तो क्या वो आपके लिए और भी गाने गाएंगी? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नचती फिरा। तेरी ही बोली बोलूंगी मैं, तेरी ही बानी गाऊंगी मैं, तेरे इश्क दा चोला पहन के मैं तुझ में ही रंग जाऊंगी। अम्मी अब और सपने नहीं देखने हमें। स्कूल खत्म नहीं हुए तुम्हारे? नहीं अब्बा, आज लास्ट डे। तो एग्जाम कब से है? अगले महीने की 5 तारीख से। और खत्म कब है? 20 तारीख को। ठीक है, तो टिकट 20 तारीख की करवा देता हूँ मैं। तुम लोग पैकिंग शुरू कर देना और लास्ट मिनट के लिए कुछ मत रखना, समझी? बाय। मैं लिखूं? टिकट्स बुक हो गई है। इंसु चल। Thank you.
एक मिनट, मैं चिंतन, इंसिया का फ्रेंड। उस दिन तो पाव भाजी बहुत मस्त बनाई थी। मैंने इंसिया को खाने नहीं दी, सारी मैंने खत्म कर दी। आप कुल्फी खाएंगे? नहीं आंटी, आज लास्ट डे, तो इफ यू डोंट माइंड मैं और इंसिया कुल्फी खाने जाए तो हॉस्पिटल में पक्का आ जाएंगे। पक्का, प्लीज, प्रॉमिस, पक्का आ जाएंगे, प्लीज। जा। थैंक यू आंटी। जा जा। सुन, अब्बा अहमदाबाद गए हैं, रात को देर से आएंगे। 10 मिनट में नहीं, शाम तक आ जाना। बेब्स, तुम्हारा गाना तो सुपर हिट हो गया है। हाँ सर, देखा मैंने, टीवी पे तो आता रहता है और अम्मी ने तो सीडी भी खरीद ली है। एक और गुड न्यूज़ है। क्या? ग्लैमर अवार्ड ने तुम्हें नॉमिनेट किया है बेस्ट सिंगर। क्या सच्ची? और मुझे भी। वाव सर, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। कभी है? 20 तारीख को मुंबई में, तुम्हें आना चाहिए। नहीं सर, मैं तो नहीं आ पाऊंगी, आपको तो पता ही है, लेकिन आपको अवार्ड जरूर मिलेगा। मुझे कहाँ देंगे अवार्ड। नहीं सर, ऐसा मत बोलिए, आई एम श्योर आपको अवार्ड जरूर देंगे। और सुनो, सऊदी जाके भूल मत जाना, फोन करते रहना। आपको कैसे भूल सकते हैं, आपने मेरी इतनी हेल्प की। थैंक यू। गॉड ब्लेस बेटा, गॉड ब्लेस। तुम सैड मत हो यार, तुम एनीवे बेस्ट सिंगर हो और तुम बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू। चलो सेलिब्रेट करते हैं। क्या? मैंने ना ट्विटर पे पढ़ा था, Don't cry, it's over. Smile, it's happened. ये तुमने ट्विटर पे पढ़ा? हाँ। किसने ट्वीट किया? वो ब्रेकअप कोटेशन। 7:30 in the morning, 5:45 in the evening, जब पहली बारिशें शुरू होंगी, जब समर हॉलीडे खत्म होंगी, खुशी में भी कभी, गम में भी कभी, बेवजह कभी, I'll miss you, हूँ तने प्रेम करू छू, I'll miss you, हूँ तने प्रेम करू छू, I'll miss you. हूँ तने प्रेम करू छू, हूँ तने प्रेम करू छू। जब भी तेरे गेट से कर लूंगा तेरा जरा सा वेट, मैं आई नो तू कभी भी नहीं आएगी, हो जाऊंगा जरा सा लेट मैं। चाय खारियां In the morning, cold coffee. In the evening, jab happy birthday tera hoga, jab happy birthday mera hoga. 31st December, 14th February, Navratri. I'll miss you. हूँ तने प्रेम करू छू, I'll miss you.
હું તને પ્રેમ કરું છું. કેસા થા એક્ઝામ? અચ્છા થા ફર્સ્ટ ક્લાસ. મેં બોમ્બે જા રહી હું. ગ્લેમર અવોર્ડ અટેન્ડ કરના. શક્તિ સને પાસ રખે હૈ મેરે લિયે. આઈ મિસ યુ ચિંતન. આઈ મિસ યુ ટુ. હું તને પ્રેમ કરું છું, હા તને પ્રેમ કરું છું, હા તને લવ કરું છું, હા તને લવ કરું છું. આઈ વિલ મિસ યુ. ये भी રખ દી. ध्यान से. बाथरूम से होके आता हूँ. विकेट पकड़ो, बैग संभालना. Here's your boarding pass. Thank you. Ma'am, please come. Main please come ma'am. Madam, mere husband 2 minute bathroom gaye hain, aane wale honge wo. Koi baat nahi, aap line se bahar aa jaiye. Nahi, aap ye isme se check kar. Ami ek minute. Don't worry, main kar deti hu. Yahan se Mumbai, Mumbai se Riyadh. Mam, aapko Riyadh ke boarding pass Mumbai International Airport se milenge. Aur Mumbai Airport pe aapko apne bags dobara check in karne honge. एक और रिक्वेस्ट थी. ये 3 सीटें एक साथ और ये 2 उसके पीछे. ओके मैम. हो गया. चलो फिर. हर बार ऐसे ही होता है, कोई ना कोई हमारी विंडो सीट पे आके बैठ जाता है. एक्सक्यूज मी. हेलो. यस. वो हमारी सीट है. माइनस 9A. सो सॉरी. आ जाओ विंडो सीट पे. सुधा वेंकट गीत सिंगर के साथ साथ नॉमिनेटेड हुई है हमारी फर्स्ट टाइम एंट्री सीक्रेट सुपरस्टार फॉर अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. ये सीक्रेट सुपरस्टार लड़की माइंड ब्लोइंग गाती है ना. हाँ, अवार्ड भी इसी को मिलेगा. हाँ, मुझे भी यही लगता है, अवार्ड तो इसी को मिलना ही चाहिए. बाकी के पैसेंजर्स कहाँ हैं? हेलो. घुस जाओ टीवी के अंदर. चलो गुड्डू, आप साइड हो जाओ. चलो इधर लग जाएगी, इधर खड़े रहो. सर उसमें वो फजाइल का टैग लगाना है. ठीक है, एक दो बैग और हैं, उसमें भी फजाइल का टैग मैं लगा दूंगा. डोंट वरी. ठीक. सर आपका लगेज एक्स्ट्रा है, उसका आपको पेमेंट करना होगा. कैसी बात कर रहे हैं भाईजान आप? सब अंडर 25 के जी, मैं चेक करके निकला हूँ. सर ये वेट की बात नहीं है, आपका एक आइटम एक्स्ट्रा है. आपको 10 आइटम अलाउ हैं और आपने चेकिंग के लिए 11 आइटम दिए हैं. अच्छा, तो कितने पैसे एक्स्ट्रा देने होंगे? 4,500. क्या है ये? कहाँ से आया ये? गिटार है इनसे का. हाँ तो गिटार बजाने के लिए लेके जा रहे हैं इसको. ये गिटार का भूत तो माँ बेटी के सर से कब उतरेगा? इंसिया, तुम एक काम करो, इसको गिटार को उठाओ. हाँ, वहाँ कोने में कचरे का डब्बा है ना, उसमें फेंक कर आओ. गिटार की कोई जरूरत ही नहीं है. कबाड़े को उठाने के लिए 5,000 रुपये दूंगा मैं. सुनिए.
पास कुछ भी नहीं गिटार के अलावा, इतना सारा सामान लेके जा रहे हैं, लिए चलते हैं ना गिटार भी। गिटार नहीं है वो, कबाड़ है। जो तुम्हारे और इंशा के दिमाग में है ना, वही कबाड़, समझी तुम? कबाड़ नहीं है, गिटार है इंसु का। एक बार और गिटार बोला ना तो पब्लिक में ऐसा तमाचा मारूंगा कि जिसका कोई आइडिया नहीं है, समझी? बल्कि गिटार भी नहीं है, ड्रीम है उसका, और ड्रीम्स के बिना जिंदगी का कोई पॉइंट नहीं होता, न सोने का, न जागने का, न जीने का और न मरने का। ड्रीम देखना बेसिक होता है, इतना सबको अलाउ होना चाहिए। समझ गई क्या? एक बार बोलो गिटार यही रहेगा तो यही रहेगा, बात खत्म। ठीक है, गिटार यही रहेगा, इंसु भी, गुड्डू भी और मैं भी, हम आपके साथ रियाद नहीं आ रहे, सॉरी। एक मिनट, चारों तरफ कैमरा लगे हुए, अगर आपने मुझ पे हाथ उठाया तो हम सिक्योरिटी वालों से आपकी वीडियो लेके youtube.com पे डाल देंगे। इंसु का चैनल है वहां पे, देखा है ना आपने, वो बुरखे वाली लड़की जो गाना गाती है, गिटार बजाती है, लाखों फैंस हैं उसके, सब देखेंगे आप। इससे पहले ये सब कुछ हो, बेहतर होगा कि आप रियाद चले जाए। बहुत हो गया, बंद करो ये तमाशा। शोहर हूं तुम्हारा, तुम मेरी परमिशन के बिना यहां से हिल नहीं सकती। तुम क्या हो रहा है, सुनाई नहीं दिया क्या? हाँ, कुछ सुनाई दे रहा है या बहरी हो चुकी हो? अब ये बैग क्यों खोल रही हो तुम? क्या है, क्या है ये, क्या फाइल है? सुनाई दे रहा है, तुमसे बात कर रहा हूं, इधर मेरी आंखों में। क्या क्या कर क्या रही हो तुम? काय की फाइल है, किस चीज पे साइन कर रही हो तुम? क्या साइन कर रही हो तुम? क्या है क्या ये? हाँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, आपको आता है। इसमें लिखा है कि अगर मैंने आपकी पुलिस में कंप्लेन कर दी तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे, बच्चे तो आपके हाथ से जाएंगे, शायद आपका घर भी मुझे मिल जाए। अगर आप अरेस्ट हो गए तो आपकी रियाद वाली नौकरी जाएगी और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्यों ले रहे हैं रिस्क? आपके लिए बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाएं और हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। चलो सर। हेलो सर, आप चेकिंग कर रहे हैं? बोर्डिंग पासेस दे दूं? सर लाइन रुकी हुई है आपकी वजह से, आप जा रहे हैं कि नहीं? एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे बात कर रहा हूं सर। लोग भेड़ नहीं देता है, बहरा नहीं हूं मैं। नज़मा, अरे कहाँ जा रही हो? अरे मेरी बात सुनो सुनो, पासपोर्ट और सामान वगैरह सब वहाँ पड़ा है, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा इंसिया, इंसिया तुम समझाओ अपनी मम्मी को, तो गिटार का मसला है ना, तो गिटार लेके चलते हैं। इंसु बेटा, बेटा गिटार ले जाने के लिए तैयार है, हम गिटार ले जाता हूँ ना। चलो एक बार आप बाहर गए तो वापस अंदर नहीं आ सकते, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे?
एक कॉल कर सकती हूँ फोन से? बहुत जरूरी है, प्लीज एक कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया। इंसू, शक्ति कुमार को फोन कर। आज तेरी अवार्ड नाइट है ना, अभी के लिए वहीं जाएंगे, भात का बाद में देखेंगे। कितने बजे आएंगे? बस आ ही रहे होंगे। कैसी हो? हाँ अम्मी जी, आपसे मिलकर बेहद खुशी, मजा आ गया, वाह। शक्ति सेंट्री, एक सेकंड, पासेस कहाँ है? अरे तुम पहचानते नहीं उसको? नहीं। अरे रुको, अरे ये तो वही है ना, यूट्यूब वाली सिंगर। ओह माय गॉड, मैम आई लव योर सॉन्ग्स, वन सेल्फी प्लीज। या ब्रो, अगर बकवास खत्म हो गई हो तो थोड़ा जरूरी काम कर ले। या ऑफ कोर्स, वो करते हैं जिसके आज हमें पैसे मिले हैं। लेट्स मूव ऑन टू द अवार्ड्स एंड टू प्रेजेंट द नेक्स्ट अवार्ड फॉर बेस्ट सिंगर फीमेल, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज द डैशिंग, द मेलोडियस शान। लेडीज एंड जेंटलमैन, कांट वेट टू ओपन दिस एनवेलप। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द अवार्ड फॉर द बेस्ट सिंगर फीमेल गोज टू Monali Thakur. What? Tabakwas. Congratulations, Monali. Thank you so much. Tabakwas. It's all rigged. It's all rigged. Nonsense. Congratulations, Monali. Thank you so much. Woo! जब से मैं छोटी थी और स्टेज शोज में गाती थी, मेरा एक ही सपना था, ये सारे अवार्ड्स जीतना। और हर बार जब मैं ऑडियंस में बैठती हूँ और नॉमिनेशंस अनाउंस्ड होते हैं, मैं यही विश करती हूँ कि अवार्ड मुझे ही मिले और किसी को नहीं। मगर इस बार कुछ सही नहीं लगा। आज हम सबके बीच एक नया स्टार मौजूद है जिसकी आवाज के सामने मेरी आवाज थोड़ी सी फीकी पड़ गई। सीक्रेट सुपरस्टार, अगर आज तुम यहां हमारे साथ हो तो प्लीज प्लीज ऊपर आओ और अपना ये अवार्ड कलेक्ट करो, क्योंकि मैं ये अवार्ड नहीं ले सकती। गो जाओ, बुला रहे तुम्हें, कम ऑन। सीक्रेट सुपरस्टार, क्या तुम यहां पर हो? सीक्रेट सुपरस्टार यहाँ है? सीक्रेट सुपरस्टार, गो, क्या तुम यहाँ हो? शी इज़ हियर, सीक्रेट सुपरस्टार यहाँ पर है। स्पॉट लगाओ प्लीज, कम ऑन, गिव हर अ बिग हैंड। जिप जल्दी करो, जाओ बुला रही से, जा ले ले अपनी विंडो से।
आप सब सोच रहे होंगे कि हम सीक्रेट सुपरस्टार हैं, पर हम वो नहीं है। 6 साल की थी, अम्मी ने गिटार लाके दे दिया। कहाँ से? अब्बा के बटुए से पैसे चोरी करके। एक हार था उनके पास, आखिरी, उसे बेच के हमें लैपटॉप दिलवा। अब्बा तो हमारी स्टोरी का दी एंड हमारी अम्मी के पेट में कर देना चाहते थे, पर अम्मी ने ऐसा होने नहीं दिया। हमारी अम्मी ने लिखी हमारी स्टोरी और आज भी लिख रही है। ये गाना गाना, अवार्ड्स लेना, ये सब तो हमारा ड्रीम था, पर ड्रीम देखना कुछ लोगों का अलाउड नहीं होता। ड्रीम देखने की आजादी, वो भी हमें हमारी अम्मी ने दी। तो सुपरस्टार कौन हुआ, हम या अम्मी? अम्मी, तुम स्टूपिड नहीं हो, तुम जीनियस हो, तुम डरपोक नहीं हो, तुम फाइटर हो। तुम बच्चों जैसी बिल्कुल नहीं हो अम्मी, तुम तो वर्ल्ड की बेस्ट अम्मी हो। फ्रेंड्स, ये शक्ति कुमार का पहला यूट्यूब वीडियो है और मैं इसे डेडिकेट करता हूं टू द सीक्रेट सुपरस्टार, जिसे मैंने ब्रेक दिया। तो पेश है मेरा नया गाना, ताजा ताजा, कल ही रिकॉर्ड हुआ है, ब्रांड न्यू। एंजॉय। हाँ, तेरा
हाय 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 नच दे फिरा मैं नच दे फिरा नच दे फिरा मैं बन ठान के मां सेक्सी बल्ली है हो मां सेक्सी बल्ली है मां सेक्सी बल्ली है Let's go! पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो लव यू मैं नच दी फिरा बन ठन बलिए हो मैं नच दी फिरा छम छम छलिए खुद